रखी है। तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि उन्होंने किताब भी लिखी है तसव्वुफ के इस बात और तरीका शाज़िलिया के उसूलों पर, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने, और बतरीके मनाम इमाम जलालुद्दीन सुयूती मेरे शुयूख में से भी हैं। बराह रास्त खाब में उन्होंने 15 साल मुझे अपने घर में ठहरा के पढ़ाया है। 15 साल मैं उनसे तलम्मुस किया, पढ़ा, और उन्होंने मुझे अपना बेटा करार दिया और वारिस बनाया, उसने फिजात दी है। मेरी अनफियत का आलम तो यह है कि मैंने तो आलम रोया में कोई 15-20 साल के लगभग का अरसा इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शागिर्दी की, आपसे पढ़ाऊं आलम रोया में, बराह रास्त तलम्मुस का शरफ मिला है आलम रोया में बतरीके मनाम। मैं आलम रोया में, ख्वाब में, आलम रोया में अल्लाह की इज्जत की कसम, ताजदार कायनात के नालायक बाप की कसम, आलम रोया में 9 साल तक इमाम आजम अबू हनीफा से पढ़ा हूं। अगर बार बार दरवाजे नहीं, मैं अब वापस जाने का फैसला कर चुका हूं। मुझे बड़ा दुख दिया इन्होंने, ये इसरार के साथ फरमा रहे हैं और मैं रोता जा रहा हूं, कदम मैंने पकड़े हुए हैं, करता हूं हुजूर नहीं जाने देंगे, हुजूर नहीं जाने देंगे, हुजूर आप कर्म फरमाए, नजर सानी फरमा दे। बड़ी देर रोने इल्तिजा करने के बाद आका की तबीयत मुकद्दसा में कुछ प्यार आता है, शफकत आती, गुस्सा मुबारक बड़ा ठंडा होता है। और फरमाते हैं ताहिर, अगर मजीद पाकिस्तान में मुझे ठहराना चाहते हो तो उसकी सिर्फ एक शर्त, मुझे अब पाकिस्तान में मजीद ठहराना चाहते हो तो सिर्फ एक शर्त, तुम उस शर्त के पूरा करने का वादा कर लो, मैं वादा करता हूं। मैंने अर्ज किया हुजूर फरमाए तो सही, वो शर्त क्या है, वो शर्त क्या है, जो कुछ हो सका हम करेंगे। आप फरमाते हैं ताहे अगर चाहते हो कि मैं पाकिस्तान में रुक जाऊं तो शर्त सिर्फ ये है कि मेरे मेजबान तुम बन जाओ। मेरे मेजबान तुम बन जाओ, फिर रुकता हूं यहां, मार करता हूं आगा, मुझे इनकार नहीं, बड़ी आदत है पर मैं इस काबिल का हूं, मैं तो बड़ा कमजोर और नातम आदमी हूं, हुजूर मैं मेजबानी कैसे कर सकूंगा, मुझसे कैसे मेजबानी होगी। फरमाते हैं बस शर्त एक है, तुम मुझसे वादा कर लो, मुझे वादा कर लो मेरी मेजबानी का, तो तनहा तुम वादा कर लो, फिर मैं रुकने का वादा कर लेता हूं। मैं रो रो के हाथ जोड़ता हूं और करता हूं हुजूर, मैंने आपसे वादा कर लिया, मैं मेज
मेजबान बनता हूँ हुजूर का। फरमाते हैं ताहिर तूने वादा किया तो मैं भी वादा करता हूँ कि रुक जाता हूँ। और फरमाया कि मैं मजीद 7 दिन अपना क्याम पाकिस्तान में तुम्हारे कहने पर रोक कर लेता, 7 दिन मजीद रहूंगा यहाँ। कितना? फरमाया 7 दिन मजीद यहाँ रहने का वादा कर लेता हूँ। अब मैं कुछ नहीं कह सकता कि उस 7 दिनों से मुराद क्या है, वो कितनी मुद्दत है ये वही जानते हैं, इसकी तफसील मालूम नहीं है मुझे। उस 7 दिनों से मुराद कितनी मुद्दत है? फरमाया 7 दिन मैं रुकता हूँ तुम्हारी मेजबानी में, उनका हुजूर मुझे मंजूर है, पर ये कैसे होगा सब कुछ? फरमाया तुम्हें हद कर लो बस, सब इंतजाम हो जाए, सब इंतजाम हो जाए। फिर मुझसे फरमाते हैं एक बात और वादा करो मुझे, मेरा ठहरने का इंतजाम भी तुमने करना होगा, मेरे खाने पीने का इंतजाम भी तुम्हारे सपुर्द होगा। पाकिस्तान में जहां कहीं आऊंगा जाऊंगा वो टिकट और इंतजाम आमद उर्फ भी तुम्हारे सपुर्द होगा, और जब वापस मदीना जाना होगा तो मदीने तक का टिकट भी तुम लेकर दोगे, ये सारा इंतजाम तुम्हारे सपुर्द होगा, ये वादा कर लो। मैंने अर्ज किया हुजूर ये सारा वादा हो गया। तीन दिन तड़पता रहा, बड़ी शदीद दर्द गुर्दा से, नहायत कमजोरी और नकाहत हो गई, नहायत कमजोरी और नकाहत हो गई। और उन दिनों शादमान में मेरे दरसे कुरान और दरसे तसव्वुफ होते थे, और 3-4 दिन बाकी रह गए, गालबन दरसे कुरान होना था या दरसे तसव्वुफ होना था, अब ये याद नहीं, दरसे कुरान या दरसे तसव्वुफ की कोई तारीख थी, 3-4 दिन रह गए थे, दरसे तसव्वुफ होना था। आपको पता है इस वाक्य का? ये खजाम है बता रहे हैं कि जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, इस दर्द में आप तड़प रहे थे, मैं आपके बाल काटने गया था, और बताते हैं कि दरसे तसव्वुफ होना था। चलो गवाह हो गई, तो दरसे तसव्वुफ 3-4 दिन के बाद होने वाला था, और शदीद दर्द में मैं तड़प रहा था। मैंने दवाई मंगवाई, अंदरून लोहारी है ना, अंदरून लोहारी, उसमें कोई दुकानदार है, उसके पास कहते हैं पुड़िया वगैरह, वो फिर वो मंगवाई, किसी को भेजकर मैंने पुड़िया दवाइयां भी ली, खैर से आराम आया। मगर जब तकलीफ की शिद्दत थी तो जिंदगी में पहली बार मुझे ख्वाब में आला हजरत ने अपनी ज्यारत का शर्फ बख्शा, उस दर्द गुर्दा में शिद्दत में जब तड़प रहा था, पहली बार जिंदगी में करम किया और ख्वाब में अपनी ज्यारत और अपनी शफकत से नवाजा। और मैंने ख्वाब देखा कि मैं कहीं घर से बाहर गया हूं और मुझे किसी ने बाहर बताया है कि तुम बाहर फिर रहे हो और आला हजरत तुम्हारी इयादत फरमाने के लिए तशरीफ लाए हुए हैं, घर में बैठे। मैं दौड़ा दौड़ा घर आया हूं तकलीफ में, आला हजरत चारपाई पे तशरीफ फरमा है, हजरत मौलाना शाह अहमद रजा खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कुद्दस सिर्रुल अजीज तशरीफ फरमा है, और आपने सफेद एहराम बांधा हुआ है, सफेद एहराम, ऊपर भी जिस तरह एहराम होता है नीचे इस लिबास में, ये लिबास भी उनकी शान बता रही है कि क्या शान है, यानी रूह उनकी गोया हर वक्त हमा वक्त एहराम में है, ये मुकाम रूहानी। इस हालत में मैं आया, आला हजरत उठ खड़े हुए और मुझे अपने सीना मुबारक से लगाया। मैंने अर्ज किया हजरत आपने क्यों तकलीफ फरमाई, तो आपने फरमाया बेटा ये जो भी शफकत भरा कलेमा इरशाद फरमाया, फरमाया तुम्हें बहुत तकलीफ थी, हमें इतला मिली, हम तुम्हारी इयादत करने के लिए आए, तुम्हारी तबीयत और मिजाज पुरसी के लिए मैं आया। और जब आला हजरत उठे मुझे सीने से लगाने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उनके जो इहराम का कपड़ा था मुझे मिलने से पहले सीने से उतर गया, उनका सीना मुबारक नंगा हुआ, और उस सीने के साथ जब मुझे दबोचा तो उनका जो फैज था वो ठंडक की तरह उनके सीने से मुझे मुंतकिल हुआ, वो कपड़ा दरमियान से हट गया। वो कपड़ा एहराम का जो दरमियान से हट गया ना, ये अलामत थी कि हम ने सिर्फ पूछने ही नहीं आए, हम फैज देने के लिए आए हैं।
اور اس کے بعد ہم بیٹھ گئے. میں نے عرض کی حضرت آپ کی واپسی کب ہوگی, بریلی شریف کب واپس تشریف لے جائیں گے؟ تو میں نے اس لیے قسم کھائی تھی اور کہا تھا جو جھوٹ بولے اس پر خدا کی لعنت. اعلیٰ حضرت نے شفقتاً فرمایا کہ میں دو تین دن کے بعد جو درس ہونے والا تھا نا تصوف, فرمایا میں رہوں گا تمہارے درس میں شریک ہو کر سن کر پھر جاؤں گا. تمہارے درس میں شریک ہو کر پھر جاؤں, تین دن درس تک میں رہوں گا. میں نے خواب پہ دیکھا ہے کہ میری تحریر اس کے پورے حصہ کو حضرت امام مہدی کے قیادت اور جھنڈے کے نیچے قبول کر لیا گیا. مبارک ہو تمہیں, تم قبولیت پا چکے ہو, قبولیت پا چکے ہو. میں نے خواب سے دیکھا, دکھایا گیا کہ میری تحریر میں منہاج القرآن مصحف انقلاب کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے اور میری تحریر کے لاکھوں کارکنوں کا لشکر میرے پیچھے ہیں اور اجازت دی گئی کہ آؤ طاہر القادری اپنے پورے لشکر کو لے کر امام مہدی کی غلامی میں قبول کر لیا گیا ہے. اور خلیفہ امت حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل کر لیے گئے ہو, معنن حکمن قبولیتن. اور پھر میں نے خواب میں دیکھا اسی میں جب آپ قبول ہو گئے, مختلف قائد اپنے اپنے دستوں لشکروں کو لا رہے تھے جن کو قبولیت کا اجر مل گیا تھا اور امام مہدی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوتے جا رہے تھے. اچانک سیدنا امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا خاموش ٹھہر جاؤ, عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو رہا ہے. کسی نے آئی کا یہ خواب رکھا, کسی نے عیسیٰ علیہ السلام اتر ہے, ان کی زیارت ہوئی تھی, ان کی اتار کرایا گیا اور یہ پورا لشکر کر پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کیا گیا کر اور امام مہدی علیہ السلام کی یاد آ جا رہا ہے. میں اپنے پورے لشکر کو لے کر دبا اور بہت کی تعلیم پاتا برداشت ہو گئے اور آقا آپ کے ٹکڑوں کی قطار بیٹھنے کے قابل نہ تھا, مگر یہ آپ کا کام کیا تھے اسے اور نئی تحریک کے سب سپاہیوں کو قبول کر کے اپنے لاڈلے امام مہدی کے جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا. یہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ دو ہی باتیں ہیں, یا میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ خواب میں نے نہیں دیکھا تو جھوٹے پر خدا اور مصطفیٰ کی لعنت ہے. اور اگر یہ دکھایا گیا تو ان پاکوں کے خواب کبھی غلط بولیے غلط نہیں ہوتے, اگر دکھایا گیا تو یقین کر لو کہ آپ قبول ہو چکے. بولو آپ قبول ہو چکے, قبول ہو چکے. جب قبولیت کا پروانہ مل گیا تو غفلت کیسی, اٹھو پرچم ہاتھ میں لے کر غیرت ایمانی کا ثبوت دے کر اس ملک میں سمندر بپا دو. اس خواب کا مطلب اور معنی یہ ہے کوئی بدبخت غلط تعبیر نہ کرے, غلط تشریح نہ کرے, زبان درازی نہ کرے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری عاجزانہ کوششیں, ہماری غلامانہ کوششیں, ہماری خادمانہ کوششیں جو کسی کام کی نہ تھیں حضور کے نالین کے صدقے اس بڑے انقلاب کے لیے جس پر امام مہدی کی قیادت ہوگی اللہ نے اس میں قبولیت کا شرف اور پروانہ ادا کر دیا. آپ اللہ کے ہاں قبول ہو گئے, مصطفیٰ کے ہاں قبول ہو گئے. وہ معلوم نہیں کب آئیں گے, ہماری کتنی نسلوں کے بعد آئیں گے, کب آئیں گے, وہ جب بھی آئیں گے مگر ہمارا شمار ان کے عظیم لشکر کے چھوٹے چھوٹے دستوں میں کر لیا گیا ہے. اب کس خوشخبری پہ سننے کے بعد بھی غفلت سے بیٹھو گے؟ مجھے شرمسار کرانا چاہتے ہو اس بارگاہ میں,
शर्मसार कराना चाहते थे। अगर आप इस इंकलाब के लिए खुद तैयार नहीं होते, तन मन धन नहीं जुटाते, अपना किरदार नहीं बदलते, अपनी जमीनों को सच्चों के लिए नीचे नहीं करते, इसके दामे नहीं चढ़ाते और कुर्बानियां नहीं देते, दूसरों के साथ अच्छा हालात नहीं रखते, खानदान की तरह रिश्ते मुआखात नहीं बनाते, अगर इस काम के लिए तैयार नहीं है तो मुझे बता दो, मैं फिर सरजमीन पाकिस्तान छोड़ के कहीं और हिजरत कर जाऊं। बता दो मुझे, फिर मैं कहीं और हिजरत कर जाऊं। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूं, मौला पाकिस्तान वालों को मेरी जरूरत नहीं है, या जान लो, और महीनों के अंदर लाखों करोड़ों अफराद का समंदर पैदा कर दो, मायूसियों को ठुकरा दो, मत लाल फजूल गुफ्तगू करो, जेनों को पुख्ता करो, वक्त हो जाओ या अमल करो, ये मुझे जवाब दे दो। आपको मैंने क्या पुकारा, इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने पुकार लिया है, मैंने पुकार लिया है, जब अपने झंडे के नीचे आपको खड़ा कर लिया, गुलाम बना लिया, अपनी फौजों में सिपाही बना लिया, फिर उन्होंने पुकार लिया है। अब फैसला दो ठोक होना चाहिए, मुमिनाना फैसला, मैं मुनाफिकत नहीं चाहता हूं। हर साल तजदीद है, हाथ उठे, घर जाएं, ठंडे पर जाएं, काम न हो तो मुझे क्यों शर्मसार करते हैं, बताएं या मैं कहीं गोशे में बैठ जाऊं और तस्वीर कुरान को मुकम्मल करूं और दिगर इलमी काम मुकम्मल करूं और आने वाली नस्लों और सदियों के लिए दीन का इलमी तजदीदी काम करूं, अगर चाहते हो तो उससे बढ़कर और उसके साथ इंकलाब का काम भी हो, तो इंकलाब के लिए मुझे लाखों करोड़ों अफराद का समंदर चाहिए, वो आप बन के दिखाते हैं या नहीं, बताइए हाथ खड़ा करके करके। रहेगा, और ये खुशखबरी सुना देता हूं आपको, ये खुशखबरी सुना देता हूं, इससे जायद बात आप लोगों को पब्लिकली कहने की इजाजत नहीं है, बास बातें आपसे नहीं कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा खोल कर, मगर इतनी बात जरूर बता देता हूं कि आका अलैहि सलातो सलाम का और अल्लाह का बड़ा करम है इस तहरीक पर, बड़ा करम है, बड़ा करम है, इससे ज्यादा मैं क्या लफ्ज बोलूं, अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का बड़ा करम है, और आपके लिए एक खास इज्न दिया गया है, दे दिया गया है, बस और कुछ नहीं कह। जब मैं मक्का मुअज्जमा में था, आपके लिए खास इज्न दे दिया गया है, जो इस्तिकामत के साथ रहेंगे और इसी इस्तिकामत पर मिशन तक जिंदा रहेंगे, वफादारी से अल्लाह की बंदगी, हुजूर की गुलामी में, मिशन की वफादारी में रहेंगे और तन मन धन लुटा के इस दुनिया से जाएंगे, उनके लिए इज्न खास दे दिया गया है, एक ऐसा इज्न खास जिसका तज़करा, जिसकी दलील बुखारी मुस्लिम तिर्मिज़ी अबू दाऊद आका की सब कुतुब हदीस में आई है, उसमें से एक इज्न खास आपके लिए अता हो गया है, ये अल्लाह का करम है, हमारे अमाल इस काबिल नहीं है। और जो बात सिर्फ कहना चाहता हूं वो ये कि मेरे कानों ने सुना और मुझे हुक्म दिया गया कि तुम अपने बंदों से ये कह दो कि वो फिर इसके अहल बन जाएं, इसके अहल बन जाएं, लाज रखें।